प्रयागराज में दो किन्नर गुट के बीच क्षेत्र को लेकर पैदा हुआ विवाद उस समय मारपीट और खूनी झड़प में तब्दील हो गया जब किन्नरों के एक गुट मुठीगंज क्षेत्र के छोटा चौराहे के पास नेग लेने गया। उसी समय दूसरे किन्नर गुट के कुछ किन्नरों ने मौके पर पहुंचकर ना सिर्फ हंगामा शुरू कर दिया बल्कि पहले से मौजूद किन्नरों पर क्षेत्र का अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गया। स्थानीय लोग कुछ समझ पाते और मामला शांत होता इसके पहले ही दोनों ही किन्नर गुट के सदस्य बीच सड़क पर ही भिड़ गए और देखते ही देखते एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। लोगों के बीच बचाव करने और मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही किन्नर गुटों को थाने ले गई। इस बीच किन्नर गुट थाने पर भी एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते और हंगामा करते रहे। मैं इतना चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन हो चाहे मीडिया वाले हो सच का साथ दें, ठीक है। उनका कच्चा चिट्ठा हम लोग के पास तो इतना सारा पड़ा हुआ है, हम तो इतना जानते हैं कम बोलना ज़्यादा समझना, सच के साथ दुनिया है। आज क्या हुआ? आज ये हुआ, हम लोग बधाई बजा रहे थे, हम लोग बधाई बजाने के लिए जैसे ही निकले उसके चेले लोग हम लोग के ऊपर हमला कर दिए, ठीक है। कम से कम 50 लड़के लाठी डंडा अभी उसकी गाड़ी खड़ी है, उसकी गाड़ी में लाठी डंडा हाथी निकला है ना, वो किन्नर के साथ लड़के भी थे हमारे चेलों के ऊपर हवार किए वो अंदर बैठे हुए, ठीक है ना। तो ये गुंडागर्दी से काम नहीं होता, ठीक है, इनका तो गुंडा राज है ना। और वैसे भी छोटी को इलाहाबाद से बहिष्कार कर दिया गया है, ठीक है, वो किन्नर समाज की नहीं है। हम लोगों ने किन्नर समाज से, हमारी गुरु बैठी है इनसे पूछी है, गुरु जी आप बताएं। आज मारपीट हुई है? हाँ आज मारपीट हुई है आपके साथ? हाँ मारपीट हुआ है, हमारे चेलों को मारा है, चाकू से मारा है, लाठी डंडा वो लोग ऐसा मार रहे थे कि अंदोलनी चोट आई है मेरे चेलों को, है ना। एक चेले का पीठ फट गया, नाखून फट गया, मेरा भी चैन तोड़ा गया है ना। मेरी अंगूठी नोची जा रही थी, नहीं नोचाई, ये देखिए नाखून के निशान है। नमस्कार, हम बोल रहे हैं प्रयागराज से, दिव्या तरन दादी की पोती, चेला मोना माँ की चेला, टीना माँ की बेटी। देखिए माँ, ये छोटी जो कर रही है, जो उर्फ छटुआ जो यहाँ का है, जो गुंडागर्दी कर रहा है, आज चाकू बंदूक चलाया, हमारे इलाहाबाद प्रयागराज के जितने भी किन्नर हैं उन पर हमला करवाया, ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है प्रयागराज? ये कौन हमला करवा रहा है आप लोगों पर? छोटी जो छोटी बैगम करके कहती है, हम अपने आप को छोटी बैगम है, वही करवाई। तो किस बात को लेके लड़ाई हो रही है? ये मेरे किन्नर को हाथ में चाकू मारा, अभी कुछ किन्नर थाने में बैठे। किस बात को लेके ये लोग झगड़ा कर रहे हैं? ये इलाका को लेके हो रहा है, इलाका को लेके हो रहा है। तो हम लोग में एक पंचायत होती है जो बैठ के दो बातें हो जाता है, दोनों तरफ से डंड होती है, लेकिन ये तो गुंडागर्दी पे उतर आई है। अब क्या कहा जाए, क्या नहीं कहा जाए, प्रशासन तो आज कहाँ पे आई, कहाँ आई आज आप लोग? आज कहाँ पे आई? मैं मुठीगंज थाने में आई हूँ। मैं ही यही गुजारिश करती हूँ प्रशासन से, सारे देश वतन वासियों से, ये सब सही हो, समझाया जाए, इसका निर्माण होए, इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। हमारे प्रयागराज के किन्नर, हमारे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऑल इंडिया के किन्नर हमारे साथ है, वो अलग गुंडागर्दी पर अड़ी हुई है। हम प्रशासन को अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। किया था उसके लिए इन लोगों ने, जैसे आज हमारे चेले काम पे गए थे मुठीगंज छोटे चौराहा पे, वो लोग नेक ले रहे थे, उसी वक्त वहाँ पे 5-6 गाड़ी भर के किन्नर, दो और गाड़ी में बदमाश हॉकी डंडा लेके आए थे, हमारे चेलों को मारा पीटा वहीं पे, उनके हमारे चेलों में तनीषा थी, उसके पूरे बाल काटे, उसको किडनैप करके इन लोग ने गाड़ी में उसको चाकू मारा, उसके फेस पे चाकू मारा, उसके हाथ पे चाकू मारा, सबके सर फाड़ दिए हॉकी डंडे से, इतना मारा। और इस चीज़ का यहाँ पे मतलब कि इतनी बुरी तरह से उन लोगों को मारा गया है, ये एकदम से सारे पूरे शहर के किन्नर मिलके ये पता नहीं क्या चाहते हैं, इनके दिल में क्या है, इनको किसी का भय नहीं है, प्रशासन का किसी का भी भय नहीं है कि इनको किसी का डर हो, ये केवल अपना पता नहीं क्या करना। ये एक तरह से, कल मैंने ये बात बोला भी था सुभाष चौराहे पे कि ये हमारे लोग को मारने के पीछे पड़े, कल को कुछ ये हत्या भी करवा सकते हैं हम लोगों की। और रही बात ये वहाँ पर भी मारपीट करने के बाद इन्होंने, आप ये चीज़ का वहाँ चौराहे पे फोटो फोटेज निकाले, सीसीटीवी उसमें आप खुद देखिए
कि प्रशासन ये चीज़ की जांच करवाए कि फोटेज में मेरे चेलों ने किसी को मारा है कि इन्होंने खुद हमला किया है। हमला करने के बाद ये अपना शरीर खुद फाड़ करके हमारे मुकदमे में ये अपना मुकदमा बनाते हैं। ये लोग हर जगह इस तरीके से दबाव बनाते हैं। नहीं नहीं, वो फोटेज बताएगी। हम लोग तो एरिया में गए थे, हमारा चेला कोई सकीना है ही नहीं। ये सब झूठ है, ये सब इनकी एक साजिश है, ये सब एक साजिश। आप ये सोचिए कि हमारे 5-6 चेले और ये 30-35 वहाँ पे 3-3, 4-4 गाड़ी भर के 5-6, 40 पे हमला कर सकते हैं। आप ये खुद बताइए, ये तो वहाँ की पब्लिक बताएगी जहाँ पे ये हुआ है वारदात। हम प्रशासन से मांग चाहते हैं, अपनी सुरक्षा चाहते हैं। कल को ये हमारी हत्या कुछ भी करा सकते हैं। देखिए, इन्होंने बाल काटा, चाकू छुरा मार रहे हैं, इन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है। प्रशासन इन पे कड़ी से कड़ी सख्त इनकी कार्रवाई करे, इनके ऊपर, इन किन्नरों के ऊपर कड़ी से कड़ी। थाने में आज आपने क्या किया है? थाने के अंदर थाने में अभी हो रहा है बात, अभी मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है, तहरीर अभी दी जा रही है, जा रहे हैं। मैं छोटी किन्नर, प्रयागराज।